हाय दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं शुभम मोबाइल्स। आज हमारे पास ऐसा डिवाइस है जिसकी आप अनबॉक्सिंग काफ़ी देर से मेरे चैनल पे वेट कर रहे थे। चलिए आज उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ब्रांड न्यू सैमसंग A50 की। चलिए देखें इसकी अनबॉक्सिंग। हाँ, अनबॉक्सिंग करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो नीचे रेड बटन है उसको दबा लीजिए और उसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने से थोड़ी मोटिवेशन मेरे को ही मिल जाती है। बॉस कर लेना लाइक। चलिए हम पे आ चुका है सैमसंग का ब्रांड न्यू A50 का, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसके पीछे बॉक्स पे देख लेते हैं क्या क्या स्पेक्स लिख रहे हैं। इसमें आपको इन्फिनिटी यू की डिस्प्ले मिलती है, ट्रिपल कैमरा मिलता है और सबसे खास बात ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट मिलता है। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हम नाइफ ले रहे हैं, इसकी सील हम ब्रोकन कर लेते हैं। बॉक्स पे देख सकते हैं, बॉक्स थोड़ा शाइनी सा है। इसकी सील ब्रोकन कर लेते हैं। ओपन कर लेते हैं इसको फटाफट। ऊपर हमें कुछ, ऊपर देखिए हमें यहाँ पे सैमसंग लिख रहा है। ऊपर हमें एक एनवलप मिलता है, एनवलप खोलते हैं इसको। इसमें हमें सैमसंग का TPU केस मिलता है एक। इसमें थोड़ा ब्लैक फिनिश आ रहा है, ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ क्विक स्टार्ट गाइड, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिलती है। इसको साइड में रख लेते हैं। ये हमारा सैमसंग का डिवाइस है, इसको अभी साइड में रख लेते हैं हम। जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 4GB रैम और 64GB रोम वाला। चलिए चार्जर देख लेते हैं। चार्जर हमारा सैमसंग का, ये हमें चार्जर मिलता है 9 वोल्ट्स का। ये सैमसंग की तरफ से हमें फास्ट चार्जर मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर हमें मिलती हैं ये ईयरफोन, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इसको भी साइड में रख लेते हैं। और हमें टाइप सी का पोर्ट मिलता है सैमसंग में, फास्ट चार्जिंग के संग टाइप सी का पोर्ट हो जाए, वाओ। और ये डेटा केबल भी हमें टाइप सी वाली मिलती है, देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है। और हमें नीचे मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, जो आपको देख सकते हैं नीचे लग रहा है यहाँ पे। इसे निकाल लेते हैं एक बार, काफ़ी अंदर फंसा दिया गया। ये देखिए एक छोटा सा सिम इजेक्टर टूल मिलता है। चलिए इसको अलग रख लेते हैं। अब बढ़ते हैं सेट की ओर, सेट को खोल लेते हैं। सेट का कलर देखिए आप, जो मेरे पास कलर है वो ब्लैक है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं रेनबो कलर की मतलब शाइनिंग आ रही है। मतलब कलर भी देखिए बिल्कुल ऐसा डिजिटल कलर टाइप लग रहा है, बहुत बढ़िया कलर है। सेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें यू शेप की इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलती है। अब कैमरा की बात कर लेते हैं हम। कैमरा हमें जो फर्स्ट कैमरा मिलता है वो 25 मेगापिक्सल लो लाइट सेंसर वाला कैमरा मिलता है। सेकंड कैमरा हमें 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस वाला मिलता है और 5 मेगापिक्सल हमें ये वाला लाइट फोकस वाला कैमरा मिलता है। नीचे LED फ्लैश मिलती है हमें, ऊपर हमें कुछ नहीं मिला। और साइड में हमें सिम ट्रे मिलती है, नीचे हमें 3.5 mm जैक और टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल और माइक स्पीकर ग्रिल। चलिए सेट हमारा बूट अप हो चुका है, चलिए इसको खोलते हैं। ये देखिए इसका कितना प्यारा इंटरफेस लग रहा है। देखिए सैमसंग की यू जो नॉच है, कुछ भी टी का वी का आप जो भी बोलना चाहें, ये देख सकते हैं लगा रखा है सैमसंग ने। काफ़ी अच्छा इंटरफेस लग रहा है मुझे। थोड़ी सी चिन मिल रही है लेकिन बहुत कम चिन है। और प्लस मुझे इसका बैक देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है बैक, एकदम ग्लॉसी बैक लग रहा है, बहुत प्यारा बैक लग रहा है मुझे इसका। और इसमें हम फिंगरप्रिंट लगाना तो भूल ही गए, फिंगरप्रिंट एक बार सेट करके देखते हैं इसमें। हाँ, लॉक स्क्रीन में गए, इसमें गए फिंगरप्रिंट, क्योंकि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे रखा है। मुझे काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसे लगाने के लिए। इसमें पैटर्न लगा लेते हैं, इसमें ऐसे करके ऐसे कंटिन्यू। फिंगरप्रिंट कह रहा है यहाँ लगाने को, फिंगरप्रिंट लगाते हैं हम। फिंगरप्रिंट हमारा अब लग चुका है, अब देखते हैं इसको, चेक करते हैं फिंगरप्रिंट लॉक। काफ़ी बढ़िया रिस्पांस कर रहा है, देखें एक और बार करते हैं, तुरंत एक्यूरेसी कर रहा है। देखिए अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और पीछे का बैक भी अच्छा लगा। एक बार अब इसके कैमरा सैंपल्स और देखते हैं हम। और इसमें हमें, हाँ मैं ये बताना तो भूल ही गया, इसमें 4000 mAh की बैटरी है, वो भी फास्ट चार्जिंग के संग,
सही है। अब इसको आप दिखाते हूँ मैं कैमरा स्क्रीन, कैमरा सैंपल्स कैसे हैं इसके। कैमरा सैंपल्स मैं आपको दिखाई चुका हूँ। अब इसके हम देखते हैं सॉफ्टवेयर कौन सा दे रखा है हमें इसमें। सेटिंग्स में जाते हैं, अबाउट फोन और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में इसमें हमें एंड्रॉयड वर्जन 9 दे रखा है। इसमें हमें 9 पाई मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है। सैमसंग का लेटेस्ट मिल रहा है हमें, एंड्रॉयड का लेटेस्ट 9 पाई मिल रहा है हमें। ये देख सकते हैं आप इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट, ये देख सकते हैं आप। ऐसे ही मैं सेट रख देता हूँ तो देखिए इसमें, अभी जब मैं इसको उठाऊँगा तो देखिए फिंगरप्रिंट के लिए कहता है अपने आप, मतलब जेक्चर से ऑन हो जाता है। देखिए रख दिया मैंने, इसको दोबारा उठाऊँगा देखिए तो अपने आप ऑन हो जाता है। ये देखिए अभी देखिए एक से, ये देखिए फिंगरप्रिंट लाऊँगा तो ये मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगी। एक बार मैं कैमरे के सामने भी इसका ये कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कैमरा मैंने ऑन कर लिया, काफ़ी सारे फीचर दिए हैं, लाइव प्रो, प्रोमा, लाइव फोकस, स्लो मोशन, हाइब्रिड। ये AR इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ इसे और एक बार दिखाता हूँ मैं आपको कैसी लगती है। एलाओ एलाओ एलाओ, ये देखिए जैसे कि मैं सपोज अपनी इमोजी बनाता हूँ। चलिए हम अपने इमोजी बना रहे हैं। ये देखिए देखिए मैं अपनी आँख मारता हूँ, ये देखिए ये भी आँख मारेगा, इधर वाली मारता हूँ, ये देखिए आँख मारेगा, ये देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगे ये देख रहे हैं। ये देखिए मुंह खोल के दिखाता हूँ, मुंह खोल रहा है, ये देखिए आँख मार रहा हूँ, आँख मार रहा। ये काफ़ी AR पे अच्छा काम करा गया है सैमसंग ने, अच्छा काम करा है। अगर इसकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर तो ज़रूर करिएगा, ये अपने फ्रेंडों के संग, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।